त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजे आने के बाद गांव-गांव में अब झगड़े उत्पन्न हो गए हैं। हारे हुए प्रत्याशी गांव के रहने वाले लोगों को बेवजह गाली और लाठी डंडों से वार कर परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला छाता तहसील के गांव बिडावली में, जहां चुनाव में हारे प्रधान पद के उम्मीदवार ने गांव के ही रहने वाले लोगों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। गांव के रहने वाले पीड़ित सतप्रकाश ने बताया कि उनके गांव में मोहन श्याम नामक व्यक्ति प्रधानी के लिए खड़ा हुआ था, जिसके परिणाम में उसकी हार हुई। उसी से बौखलाकर आज उसने दुकान पर बैठे हुए एक व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। उसे देखकर उसके और समर्थक भी वहां पर आ गए, फिर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब एक दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। इस घटना की सूचना पीड़ितों ने थाना छाता कोतवाली में दी, जहां से उन्हें उपचार के लिए छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये कोई घटना सिर्फ इस गांव की नहीं, बल्कि अन्य गांव से भी इसी तरह की वारदातों की खबर आ रही है। हारे हुए प्रत्याशी बेवजह ग्रामीणों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग तो अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई थी? मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ भैया, सुबह नारोल के में मैं घेर लिया अकेले। जे पहुँचे बीच विचार कर लिए, सुबह बनने लौटी छोड़ दिए डायरेक्ट। किस पार्टी ने लाठी मारी आपको? लाठी अशोक प्रत्याशी खड़ो हार को अशोक और पीगम को रमेश और तिरकपाल को अशोक, जिनमें पैरपत्र लौटी छोड़ी जेल में आमद में गाड़ी चलाऊ गाड़ी लेके आ रो रास्ता में। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश। क्या घटना हुई थी? मतलब ऐसा हुआ है कि जो हारी हुई पार्टी है उनका लड़का जो है, जो अशोक जो है चुनाव लड़ा उसका लड़का, और जो है मतलब उसने हमारी पार्टी का एक बघेले का लड़का पकड़ लिया है अपने घर के सामने, पकड़ के उसको मारा बुरी तरह से। जब हमारी पार्टी को पता चला है कि मतलब ऐसा हुआ, ये गरीब लड़का जो हमारा, तो बच्चे जो है हमारे भी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे तो मतलब वो जो हारे हुए लड़का जो थे उसके अशोक के, वो ले लौटी मतलब भगदड़े। जब भगदड़े तो हमारे सब नेहते पहुँच गए वहाँ। हमने कही चलो भगो भाई लौटी तुम ला। ऐसा हुआ जब हम जैसे लौटी लौटी लेके पहुँचे तो ये जब बालक जो है ये ज़्यादा छुटा गए, ये मतलब नेहते वहाँ पर पहुँच गए उनके घर से, और फिर मतलब उन्होंने माँ के डार कर लिया। फिर मारपीट दर फरसा लाठी चार्ज कर रही है धीरे धीरे कभी फरसा वरसा देते रहेंगे। ये माल हालत हारी भाई पार्टी के जो प्रत्याशी था उसका क्या नाम था? उसका हारी भाई पार्टी का प्रत्याशी जो है मोहन श्याम। इसकी सूचना आपने यहाँ थाने में दी है क्या? थाने में फोन किया, लेट पहुँची, लेकिन जब तक फूटा फाटी हो चुकी है तब पुलिस पहुँची है।